I'm so sorry, ma'am. I'm so sorry. मैं गलती से आपके रूम में आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? और तुम हो कौन? मैम, मैं यश, रतन सर का न्यू बॉडीगार्ड। एंड आई एम श्योर आप उनकी बेटी होंगी। मैम, आई एम सो सॉरी, आपकी मम्मी ने बोला कि रतन सर रूम में है और मैं गलती से इस रूम में आ गया। प्लीज मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में पापा को जरूर बताऊंगी। मैम प्लीज, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए मैम, प्लीज। जस्ट गेट आउट। जी जी मैम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी बाजार गई है। मैम, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलने आया था। मेरी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। जो भी कहना है अंदर आके कहो। कहो, क्या कहना है? मैम, ट्रस्ट मी, मुझे लगा था वो सर का रूम है, पर गलती से मैं आपके रूम में घुस गया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई डोंट ट्रस्ट यू। मुझे लगता है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया। तुम भी उन लड़कों जैसे हो जो मौका मिलते ही लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। नहीं मैम, नहीं, ये गलत। मैं तुम्हारे करतूतों के बारे में पापा को जरूर बताऊंगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। आप जो कहेंगी मैं करूंगा मैम, प्लीज। कुछ भी करोगे? कुछ भी, एक मौका प्लीज। मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात मैम? मेरी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी। बस मैम, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझे ऐसा वैसा समझाया क्या? ये सब मेरे उसूलों के खिलाफ है और मैं अपने उसूलों के आगे गिर नहीं सकता, प्लीज। दो कौड़ी का बॉडीगार्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मना करने की? रुक, तेरी अब भी अकल ठिकाने पे लगाती हूँ। मैं पापा को वीडियो कॉल करने जा रही हूँ और बताऊंगी कि तुम यहाँ मेरा फायदा उठाने। मैम प्लीज ये सब मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप जो बोलोगे मैं करूंगा प्लीज। ये हुई ना बात, आज से तू मेरा गुलाम। मैम, तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। सुन, जहां जब मैं तुझे बुलाऊंगी तू चुपचाप आ जाना। जी मैम। हाँ रूबी, बोलो। हेलो पापा, मुझे कॉलेज जाना, तो प्लीज आप ड्राइवर को भेज दो। नहीं भेज सकता। क्यों? मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जाना है। तभी तो मैंने आपको फोन किया, मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? ऑटो से चली जाओ। नहीं पापा, मेरा फर्स्ट डे आज कॉलेज का, मैं ऑटो से नहीं जाऊंगी। पापा एक काम करते, आप अपने बॉडीगार्ड को भेज दो, उससे तो ड्राइविंग आती होगी। ठीक है, भेजता हूँ। ओके। सुनो सर, घर पे जाओ और रूबी को कॉलेज में ड्रॉप कर दो। आई एम सॉरी सर, मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए रखा है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। जितना बोला जाए ना उतना करो। आई एम सॉरी सर, जाता हूँ। अरे वाह, कौन कहता है कि तुम गरीब हो? अब ये पैसे मेरे। मैम ये सब आप क्या कर रही हैं?
चुप, एक लफ्ज और। मैम ये पैसे मुझे घर भेजने के लिए, ये सोच लो ये पैसे ज्यादा प्यारे हैं या तुम्हारी नौकरी। ऐसे चुपचाप मेरी बात माना करो। मैम ये सब क्या कर रही है मैम? कोई देख लेगा मैम। मैम उठिए मैम। मैम रूमी, उस दिन के सब मैम आप गलत समझ रही हैं। मैम मैम आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं करता हूँ। रूबी मैम मुझे मजबूर कर रही है ये सब करने के लिए। कैसे? मैम वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के मुझे नौकरी से निकलवा देंगी। मैम आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मैं अभी जाके रतन को सब बताने वाली हूँ। मैम रुकिए प्लीज, आप ये सब मत कीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, मुझे प्लीज एक मौका दे दीजिए। ठीक है मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? आओ आपसे एक बात पूछूं। पूछो। थोड़ी देर पहले आपने मुझे रूबी मैम के साथ देखा, तब भी आपने, तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं गुस्से में पागल तो नहीं हो गई? ऐसे बिना रूबी मेरी सौतेली भी बेटी है, और रूबी की ना मैं रग रग से वाकिफ हूँ। रूबी ना हाथ से निकल चुकी है, रूबी के एक बॉयफ्रेंड नहीं है, दो तीन बॉयफ्रेंड है, और ये सब रतन को पता है। और जहां तक मेरी बात है, वैसे भी रतन को मुझ पे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, और मैं अकेली रह गई थी, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे किसी हैंडसम के साथ में थोड़ी खुशियां मिल जाए, इसमें गलत बात क्या है? मैं चलता हूं। सिर्फ हमारे बीच की बात हमारे बीच में रहनी चाहिए, ये बात रूबी को नहीं पता चलनी चाहिए। आपका न्यूज पेपर। सुनो आज तुम अपने एक बॉडीगार्ड को घर पे छोड़ दो, मुझे ना स्टोर रूम की सफाई करवानी है। तुम्हें दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? ये मेरा बॉडीगार्ड है, तुम्हारा नौकर नहीं। तो तुम एक नौकर क्यों नहीं रखवाते थे? मुझसे ना सारे घर के काम नहीं संभलते। मेरे पास बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं, सारा दिन घर में बैठ के करती क्या हो? मैं ना तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, समझ आई? बस फिक्र हो आप दोनों। पापा वो एक दिन आपके साथ ले जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा?